इधर आओ, यहाँ मेरे सामने। किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? पढ़ाई की उम्र है ना, ये शादी का शौक कहाँ से सवार हो गया तुम्हारे सर पे? भाई मैं कितनी दफा बताऊं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग जाके उसके माँ बाप से मिलने, बस। ऐसी क्या बेचैनी हो रही है उसके माँ बाप को हमसे मिलने की? क्योंकि सीमा ने अपने माँ बाप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो तुम उसे समझा दो, जब मिलेगा वक्त हम आ जाएंगे। ऐसी क्या जोर जबरदस्ती है कि आज ही जाना है? रमी जाएंगे भी तब, जब अच्छी तरह छान पटक कर लेंगे, देख लेंगे कि वो लोग इस काबिल हैं भी कि नहीं, लड़की के बारे में कुछ जान लेंगे उसके बाद। भाई आप बेफिक्र हो जाए, आपकी बीवी के इस घर से बड़ा बंगला है उनका। क्या बदतमीजी है जुगनू। अम्मी आप चुप कर जाए, आपका तो जोर सिर्फ मुझ पे ही चलता है। जानते क्या है मैं तुम्हारे बारे में? उनकी लड़की मुझसे मोहब्बत करती है ना, यही बहुत है उनके लिए। नहीं ये बहुत नहीं है, लड़के के बारे में जानना होता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी अर्निंग कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, सब जानना होता है। अच्छा, मगर आपकी बारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। समझाओगे तो समझ जाएगा, मुझे लगता है कि वो लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है। अच्छी तरह सोच ले अम्मी, क्या कह के गया ये? कह रहा था उस लड़की का घर इस घर से ज्यादा बड़ा है, कहीं ये भी किसी कैद में ना जकड़ लिया जाए। सोचें इसके बारे में, ये तो चाहता भी यही है। कब तक ताने दोगे मुझे इस बात के? मैंने कभी बुरा नहीं सोचा तुम्हारे लिए। लेकिन अच्छा आपने वही समझा जो आपको अपने लिए अच्छा लगा। अच्छा बस कर दो, जो दिल चाहे तुम लोगों का वो करो, मैं होती कौन हूं तुम्हारी।